transformation of energy. एनर्जी का तब्दील होना एक फॉर्म से लेकर दूसरी फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी. ठीक, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी. दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. यहां तक मैं ये भी कहूं कि इट इज ऑनली बिकॉज ऑफ द लाइफ एग्जिस्टेंस ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी. यहां तक आप ये भी समझ लीजिए कि एनर्जी की वजह, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की वजह से ही लाइफ एग्जिस्ट हो रही है. कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको समझाऊंगा, यहां पर आप ध्यान रख लीजिए. आपने देखा है कि विंड मिल देखी है, विंड मिल जो होती है जब आफ्ताब सन से रोशनी आती है जमीन के अंदर, तो ये जमीन जो है ये एब्रप्टली हीट अप होता है और इसे हीट बाहर आ जाती है. तो यहां पर वो विंड मिल लगी हुई होती है. इस एनर्जी की वजह से जब यहां से लाइट इस पर पड़ गई, इस पर पड़ने की वजह से क्या हो जाता है कि यहां से विंड जो है, हवा जो है ये चलती है. ये विंड ऐसी चलती है कि यहां पर इसके ऊपर लगे हुए होते हैं फैन, ये रोटेट करते हैं. जब ये रोटेट करते हैं इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है. इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनके इस के अंदर नीचे रोटर होता है, वो रोटर रोटेट कर रहा है और रोटर की रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती हो जाती है. तो पहले यहां से सन की ओर से एनर्जी आई, सोलर एनर्जी विच हैज बीन ट्रैप्ड बाई द अर्थ and then it has been converted into the heat energy, I can say, or into the kinetic energy. This kinetic energy जो है, this heat energy या kinetic energy जो है, इसने यहाँ पर इस windmill का ऊपर जो fan है, इसको rotate कर दिया. तो इसके अंदर kinetic energy generate हुई. With respect to this kinetic energy, rotor अंदर से, इसका rotor अंदर से घूम रहा है. ये kinetic energy generate करता है. This kinetic energy has been converted into electrical energy. एक बात. दूसरा, आपने hydraulic पावर देखा है, हाइड्रोलिक पावर. लाइक डैम्स होते हैं, डैम्स के अंदर वाटर डैम्स बनाए जाते हैं. इन वाटर डैम्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है. लाइक हमने एक डैम बनाया है, इस डैम के अंदर पानी है और इस पानी की वजह से, अगर इस डैम के अंदर बहुत ज्यादा पानी हमने रखा है, इसकी वजह से इस पानी के अंदर कौन सी एनर्जी है, दैट्स पोटेंशियल एनर्जी. ये डैम से हम जब ये पानी रिलीज कर देते हैं, नीचे यहां पर रोटर लगा हुआ होता है, टर्बाइन लगा हुआ होता है, टर्बाइन के नीचे रोटर लगा हुआ होता है. ये पानी नीचे की ओर आ जाता है, इट जनरेट, इट प्रोवाइड्स द काइनेटिक एनर्जी टू दिस रोटर. ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये रोटर रोटेट हो रहा है टर्बाइन के अंदर. फिर टर्बाइन का रोटर जब रोटेट करता है, इस रोटेशन की वजह से यहां पर जनरेटर लगा हुआ होता है, जनरेटर कर रहा है काम. ये इस टर्बाइन की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. एक और चीज, फोटोसिंथेसिस आपने देखी है. फोटोसिंथेसिस क्या है? जब लाइट आ जाती है सन से, वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में. वहां से जो प्लांट्स हैं वो अपना गुजा बना देते हैं, और गुजा बना किसकी वजह से? सन की वजह से. सन की एनर्जी आई, प्लांट के ऊपर गई, प्लांट ने इसको यूटिलाइज कर दिया. यूटिलाइज के करने के बाद दैट सोलर एनर्जी हैज बीन कन्वर्ट इन द केमिकल एनर्जी. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है? इट इज सिंपली व्हेन एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. एनर्जी ऑल ओवर खत्म नहीं हो जाती है, दैट गिव्स अस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होती है. बहुत सारे एग्जाम्पल से आपने समझ लिया कि एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. अब हम पढ़ेंगे दूसरा चीज, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ी कि एनर्जी जो है ये हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये हम चेंज कर सकते हैं एक शक्ल से लेकर दूसरी शक्ल में. और
अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज इट और ट्रांसफर, चेंज और ट्रांसफर from one form to another. हम इसको चेंज कर सकते हैं एक शक्ल से लेकर दूसरी शक्ल में, न कि हम एनर्जी को खुद बना सकते हैं ना हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं. ठीक, इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है, एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एनर्जी जो है ये क्या रहती है, ये कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं हो, चेंज हो जाएगी एक शक्ल से दूसरी शक्ल लेकिन ओवरऑल एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी. ठीक, या हम इसको जनरेट भी नहीं कर सकते, खुद बना भी नहीं सकते. अब यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इसको हम साबित कर लेंगे कि क्या एनर्जी हकीकतन में कांस्टेंट रहती है कि नहीं रहती है. तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हम चेक करेंगे कि क्या ये सही मानों में कांस्टेंट ही रहती है कि नहीं रहती. तो मैं ये करूंगा, लिखूंगा टॉपिक, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. क्या जो हमने कहा कि एनर्जी कौन ट्रांसफर की जा सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, लाइक कि ये कांस्टेंट रहती है, कि मैं वही चेक कर लूंगा. से फॉर एग्जांपल, आपने देखा अभी इससे पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में हमने कहां से, मतलब काइनेटिक एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करी, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी से फिर विंड एनर्जी के थ्रू हमने फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने हीट एनर्जी जनरेट करी. ठीक, तो सिमिलरली हम ये देखेंगे क्या एनर्जी हकीकी मानों में कांस्टेंट रहती है कि नहीं रहती है. तो उसके लिए हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एंड यू नो दैट मैकेनिकल एनर्जी जो है इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हम जब सम लेते हैं इट बिकम्स द मैकेनिकल एनर्जी. लेट सपोज मैं एक काम करूंगा, मैं एक बॉडी लूंगा जिसका मास है एम के जी. इस बॉडी को मैं प्लेस करूंगा एट ए डिस्टेंस ऑफ एच मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. मैंने एक बॉडी ले ली, इसको मैंने एक पोजीशन पे रखा, पोजीशन ए पर. अब इसको मैंने सेपरेट किया, अलग कर दिया या प्लेस कर दिया एट ए डिस्टेंस ऑफ एच मीटर्स फ्रॉम अबव द ग्राउंड. अब मैं यहीं से देखूंगा इस एग्जाम्पल से कि क्या हकीकी मानों में इस बॉडी के अंदर मैकेनिकल एनर्जी हर इंस्टेंट पे सेम रहती है कि नहीं रहती है, या कि अगर रहती है तो डेफिनेटली चेक करेंगे, अगर नहीं रहती है तो देन इट विल बी सीन. लाइक अब ये बॉडी हमने प्लेस कर दी पोजीशन ए पर, हम इसकी एनर्जी चेक करेंगे एट ए. एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट पोजिशन ए, पोजिशन ए पर बॉडी की एनर्जी क्या रहेगी? ठीक, पहले पोटेंशियल एनर्जी में चेक करूंगा, क्योंकि हम मैकेनिकल एनर्जी ढूंढ रहे हैं. मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी. तो पहले पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे. जब आपने बॉडी को प्लेस ले ली, उठा लिया जमीन से कितना एच मीटर्स, डेफिनेटली इस बॉडी की पोजिशन चेंज हो गई. इसकी पोजीशन जब चेंज होगी इस बॉडी के अंदर, यहां पर जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. यहां पर पोजीशन ए पर बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है. क्यों? जो ही मैं इस बॉडी को छोड़ दूंगा, जब मैं इस बॉडी को छोड़ दूंगा तो ये बॉडी डेफिनेटली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ये नीचे को आ जाएगी. तो विद रेस्पेक्ट टू दैट ग्रेविटेशनल पुल ये नीचे आ जाएगी, दैट मीन्स की बॉडी के अंदर ताकत है कि ये काम कर सकते हैं. काम करने का ही मतलब बॉडी ने काम कर दिया, इट मीन्स दैट कि द बॉडी इज पॉजिंग द एनर्जी. हियर एट पोजिशन ए द बॉडी इज पॉजिंग द पोटेंशियल एनर्जी. तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट पोजिशन ए बॉडी की किसके बराबर है? दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच.
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसी के बराबर होती है। ठीक ना, अगर मैं एट पोजिशन ए देखूंगा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी एट पोजिशन ए लाइक बॉडी यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1/2 ऑफ एम स्क्वायर, यू नो दैट। लेकिन बॉडी पोजिशन ए पर है, क्या इसकी कोई वेलोसिटी है? इट इज एट द रेस्ट। बॉडी ए पर है, अभी ये रेस्ट में ही है। ठीक, दैट मीन्स कि बॉडी रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है। हियर वी एट पोजिशन ए वी इज इक्वल टू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की है विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम इंटू वी, वी के बदले जीरो आएगा, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। नाउ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पोजिशन ए इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू द टोटल एनर्जी। और मैं ये भी कह सकता हूं मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पोजिशन ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच प्लस जीरो, तो एट पोजिशन ए टोटल एनर्जी जो है वो एम जी एच के बराबर निकली। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस बॉडी को छोड़ दूंगा, अब इस बॉडी को मैं छोड़ दूंगा, फ्री फॉर्म में इसको दे रहा हूं, यहां पर पोजिशन ए पर मैं इसको छोड़ रहा हूं, बात यह है कि ये बॉडी नीचे क्यों आ जाएगी? नीचे आने के दौरान लेट सपोज ये बॉडी पोजिशन बी पर पहुंची, ए से लेकर बी तक आई ये बॉडी, से फॉर एग्जाम्पल इस बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करी एक्स एक्स मीटर्स, ध्यान रख लीजिएगा, मैंने बॉडी ले ली, बॉडी पोजिशन ए से मैं इसको अब छोड़ रहा हूं, छोड़ने के वक्त लाइक दिस बॉडी पोजिशन ए पर है, यहां पर इसके पास मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इस बॉडी को छोड़ दूंगा यहां से लेकर यहां तक, असल में उसको नीचे छोड़ना, मुझे इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेक करनी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द पॉइंट, मैं इस बॉडी को छोड़ दूंगा यहां से लेकर यहां तक, जब मैंने इसको यहां से लेकर यहां तक छोड़ दिया, इस बॉडी की कुछ वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी तो इसको जीरो तो थी, अब कुछ वेलोसिटी के थ्रू ये नीचे को आ रही है। ठीक, अब जब ये बॉडी नीचे को आ रही है, इसी बॉडी के अंदर इसने यहां से लेकर यहां तक इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। अब से फॉर एग्जांपल कि ये बॉडी यहां पर रुकी हुई है, क्या इस बॉडी के अंदर अभी पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आने की ताकत है इस बॉडी के अंदर? हाँ, ये बॉडी अभी भी नीचे जा सकती है। मीन्स कि अगर मैंने इस पोजिशन ए से लेकर पोजिशन बी तक अब ये बॉडी पहुंची, पोजीशन बी पर इस बॉडी के पास दोनों एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी। आप समझ लीजिए मैंने इस बॉडी को रोक लिया है, अभी बॉडी को नहीं रोका जा सकता है, हम बॉडी को छोड़ देंगे, हम हर एक पॉइंट पे इसकी क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसकी एनर्जी कैसे रह रही है, मैकेनिकल एनर्जी इसकी कैसी होगी। नाउ पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक क्यों आ गई, तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, एक्स मीटर्स, तो मैं इसकी टोटल एनर्जी कहां पर चेक करूंगा, एट पॉइंट बी। Similarly, let's see. Energy of the body at point B. Now let's allow the body to fall down. ठीक, now the body reaches at position B. Here at the position B, let the body travel the distance of x meters. ठीक, if the body is having the velocity of v meter per second, then we can check the kinetic energy and as well as the potential energy of the body at point at position B. Now मैं पहले इस body की kinetic energy देखूंगा at position B. यहां पर इस body की velocity जो है, initial velocity इसकी u इसकी zero के बराबर है, final velocity जो इसकी है वी लेट इट बी इक्वल टू वी के बराबर, फाइनल वेलोसिटी। इसकी बराबर है वी के बराबर। ठीक, तो बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी दैट्स एक्स मीटर्स, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। ठीक, नाउ इसी बॉडी की हम काइनेटिक एनर्जी भी चेक करेंगे और इसी बॉडी के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी भी चेक कर लेंगे। देख लो भाजी, हमें पता है वी स्क्वायर, वी नो दैट
we know that v square minus u square is equal to 2as. ठीक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे v चाहिए. ठीक, नाउ v square माइनस यू किसके बराबर है? यू तो जीरो के बराबर है. इनिशियल वेलोसिटी बॉडी वाज इनिशियली एट द रेस्ट, तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो के बराबर है. नाउ यू के बदले जीरो है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस जीरो, दैट्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू. एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी किसके बराबर है? ये बॉडी ए से नीचे आई बी, किसकी वजह से? ग्रेविटेशन पुल की वजह से. तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हेयर फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशन पुल, दैट मीन ए इज इक्वल टू जी, देन ए के बदले में यहां पर जी डाल दूंगा. सिमिलरली ये बॉडी इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी ए से लेकर बी तक, दैट्स एक्स मीटर. तो यहां पर एस के बदले में क्या लिखूंगा? एक्स. देन काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम, तो मैं लिखूंगा वी स्क्वायर किसके बराबर निकला? 2gx. 2gx. 2 and 2 cancels out. Kinetic energy at position B जो है, it is equal to mgx. Now, ये मैंने position B पर इस body की kinetic energy check करी. अब इसी position B पर हम potential energy check करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं conservation of the mechanical energy. ठीक, position A पर तो हमने check कर दी, position B पर मैं अब इसकी क्या निकालूंगा? Potential energy. समझ लो, इस body को अभी हमने position B पर रोका है. The body is having the tendency to fall down. इसके अंदर अभी भी ताकत है, ये काम कर सकती है. That means the body is possessing the energy and that too energy is called as a potential energy. इस position B पर इसकी potential energy है. Now we are going to check out the potential energy of the body. Potential energy of the body किसके बराबर आएगी? ठीक? यहाँ पर distance पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक total distance body की क्या थी? H meters. ठीक? अब बॉडी यहां से लेकर यहां तक तो h मीटर थी, लेकिन अभी पोजीशन बी पर आई, अभी पोजीशन बी पर आई, यहां से लेकर यहां तक इसने x मीटर की डिस्टेंस निकाली. अब ये बॉडी कितनी दूर है c, लेट अस सपोज c से b तक कितनी डिस्टेंस है? वो डिस्टेंस, ये बॉडी अभी दूर है, ये अभी डाउन आ सकती है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस है बॉडी की? दैट इज टोटल डिस्टेंस में से हम ये x निकालेंगे. दैट इज, अगर मैं देखूंगा कि डिस्टेंस इस बॉडी की अभी भी बच रही है पोटेंशियल एनर्जी के लिए h माइनस एक्स. ठीक, तो मैं यहां पर लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी हेयर, s जो है दैट इज इक्वल टू एम जी. एच के बदले h नहीं लिखेंगे, क्योंकि बॉडी की डिस्टेंस अब इतनी रह रही है. ठीक, तो ये डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस में से हम x निकालेंगे, दैट इज एच माइनस एक्स. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट position B is equal to mgh minus mgx. मैंने इस mg से मल्टीप्लाई किया, mg into h that's mgh, mg into x that's minus mgx. Now dear students, total energy at B किसके बराबर आएगी? Total energy at B किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स काइनेटिक एनर्जी mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx. mgx mgx कैंसिल आउट, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mgh. तो बॉडी की जो एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यहां पोजीशन बी पर रह रही है, दैट इज इक्वल टू mgh. तो पहले एनर्जी ए पर बॉडी की एनर्जी में देख रहा हूं कि बॉडी की एनर्जी पोजीशन ए पर एम जी एच के बराबर है. अब ये बॉडी आ रही है नीचे, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है एनर्जी की. काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है. द बॉडी इज हैविंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी, बट नेट एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच एट पोजिशन बी. नाउ अगर मैं इस बॉडी को छोड़ दूंगा कहां से लेकर कहां तक? बी से लेकर सी तक. अब मैंने बॉडी को यहां से उठाया था, ग्राउंड लेवल से उठाया था ए तक, ए से मैंने छोड़ा इसको बी तक, बी पर इसकी एनर्जी दोनों है, काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है. अब ये बॉडी नीचे को आ जाएगी, जब ये नीचे यहां पर आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर टोटल सी तक, तो बॉडी की टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? तो जब ये सी पर पहुंची, जब ये बॉडी सी पर पहुंची, तब
इस जगह पर इस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि अगर ये बॉडी अपनी ग्राउंड लेवल पर पहुंची अब ये काम नहीं कर सकती, लेकिन ये किसी काम से तो किसी एनर्जी से ताकत से तो नीचे आई ना, तो वो एनर्जी जो ताकत जो इसके मोशन की वजह से थी, ग्रेविटेशन की वजह से थी, तो वो एनर्जी तब इसकी जो थी दैट वाज काइनेटिक एनर्जी। तो एट सी पोजिशन, ए से लेकर सी तक जो इसकी पोजिशन एनर्जी रही दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इसकी एनर्जी सी पर चेक करूंगा कि बॉडी की एनर्जी एट द इट्स ओन स्टेट जब ये सी पर पहुंच रही है तब इसकी एनर्जी किसके बराबर है। लेट्स सपोज दैट मैं चेक करूंगा एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी, नाउ एनर्जी ऑफ द बॉडी of the body at point C, ये बॉडी A से लेकर अब C तक पहुंची। मैंने आपको यहां पर कहा था कि B पर हमने रोका इसको, मैंने B पर रोकने का मतलब यह है कि मैंने खाली B पर इसकी एनर्जी चेक करी कि एनर्जी किसके बराबर है इसकी। अब ये बॉडी A से लेकर डायरेक्ट C पर आ रही है, A से लेकर C तक इसकी वेलोसिटी जाएगी कुछ ना कुछ, फाइनल वेलोसिटी तो वो तो हम वी के बराबर कर देंगे, लेकिन इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी ए से लेकर सी तक, एच मीटर्स। लेकिन जब जो ही ये सी पर पहुंची बॉडी की कोई एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से वापस आ रही, लेकिन ए से लेकर सी तक कोई एनर्जी लेकर ये आई थी, वो एनर्जी कौन सी है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी एट पॉइंट सी, हियर काइनेटिक एनर्जी पहले चेक करेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है 1 बाई टू ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक। फाइनल वेलोसिटी इसकी वी है, तो हम पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस। एक्सेलरेशन बॉडी की है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, लेकिन एस डिस्टेंस कितनी निकाली इसने ए से लेकर सी तक, टोटल एच मीटर्स। तो मैं ये लिखूंगा वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इसकी पहले ही जीरो थी, देन माइनस जीरो तो जीरो के बराबर ही आएगी, दैट्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बदले एक्सेलरेशन बॉडी की है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, दैट इज जी, और एस टोटल डिस्टेंस इसने कितनी निकाली, एच मीटर्स। देन वी स्क्वायर किसके बराबर है, टू जी एच। नाउ अब मैं देखूंगा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है इसकी एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर है। नाउ टोटल एनर्जी एट सी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1 बाई टू ऑफ एम वी स्क्वायर के बदले क्या डालेंगे हम, 2 जी एच, 2 एंड 2 कैंसल आउट, एम जी एच प्लस जीरो दैट्स एम जी एच। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट सी जो है इज इक्वल टू एम जी एच। पहली इक्वेशन एट पोजिशन ए एनर्जी एम जी एच के बराबर है, सेकंड चेक करी थी मैंने पॉइंट बी पर तब भी एनर्जी एम जी एच के बराबर आई। अब जब ये बॉडी नीचे को आ जाए आ गई इसकी एनर्जी तब भी क्या है, एम जी एच, यानी कि ओवरऑल एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द पॉइंट द एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट हाउ एवर देयर इज टुक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी टू प्लेस। पोजिशन ए पर पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, बॉडी बी पे आ गई वहां पर दोनों एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी है पोटेंशियल एनर्जी भी है ना, बॉडी सी पर आ रही है ए से लेकर सी पर आ रही है, सी पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस बट हाउएवर द एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो यही हम साबित कर रहे थे कि द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी टुक प्लेस, एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। थैंक यू।